वेलकम टू परी फैमिली। परी फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। देखिए आज की कहानी। टिया तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो? जा बेटी, जाके पढ़ाई कर। तुझे पढ़ाई करना चाहिए, मेरी मदद की ज़रूरत नहीं है। मम्मी मम्मी, मैं भी करना चाहती हूँ आपको हेल्प, थोड़ा हेल्प कर दो मम्मी। ये क्या किया तूने टिया? मैं कह रही हूँ तुझे पढ़ाई करने के लिए, तू मेरी बात नहीं सुन रही है। ये क्या कर दिया? मैं आप कैसे उठाऊँ? सॉरी मम्मी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे गलती हो गई। आप मैं कैसे उठाऊँ उसको टिया? तू भी ना हद करती है। अब कैसे उठाऊँ मैं? कोशिश करती हूँ। सॉरी मम्मी, और नहीं करूँगी मैं, मुझे गलती हो गई है, माफ़ कर दो मम्मी। ठीक है तुझे माफ़ कर दिया मैंने, फिर से ऐसे कभी मत करना, नहीं तो मैं बहुत डांटूँगी। ठीक है मम्मी, ठीक है, थोड़ा फ्रेंड के साथ खेल लेती हूँ, बाद में पढ़ाई करूँगी मम्मी। नहीं और नहीं यार, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा बैठने दो, पैर में दर्द हो रहा है, और नहीं। टिया अब अपनी मम्मी के पास गई है मम्मी को पूछने के लिए, क्यों मम्मी आप इतना उदास बैठी हुई हो? मम्मी मम्मी, आपको क्या हुआ? आप ऐसे क्यों बैठी हुई हो? इतना उदास क्यों लग रहे हो मम्मी? आपको क्या हुआ है? मुझे अच्छा नहीं लगता है आप जब उदास बैठते हो मम्मी। प्लीज़ मम्मी हंसो ना, थोड़ा हंसो ना मम्मी। ऐसे क्यों गुमसुम बैठी हुई हो मम्मी? मैं अभी जाके पढ़ाई करती हूँ मम्मी, गुमसुम मत बैठना मम्मी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। हंसो ना मम्मी, थोड़ा हंसो ना, ऐसा क्या हुआ है मम्मी? मैंने आपको कुछ कहा है क्या मम्मी? तो आप इतने उदास क्यों हो? कुछ नहीं टिया, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, जा तू जाकर पढ़ाई कर। तो टिया जाकर पढ़ाई में बैठ गई है, वो बैठकर पढ़ाई करने लगी है। आज का कहानी इतने तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट कहानी नेक्स्ट एपिसोड।